शहनाज गिल ने आखिर कपिल शर्मा शो पर क्या क्या खुलासे किए हैं, और आपको बता दूं कि शहनाज गिल को पूरे, जैसे किसी का भाई किसी की जान, जब शूट हो रहा था तो इस शूटिंग में अगर किसी को सबसे कम पैसे मिले हैं एज अ एक्टर, किसी को सबसे लेस अमाउंट मिला है, तो वो अमाउंट जो है वो शहनाज गिल को मिला है। सबसे कम पैसे पूरे के पूरे मूवी में ना, सबसे कम पैसे पूरे के पूरे स्टारकास्ट में शहनाज गिल को मिले। और इस चीज़ का वीडियो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जो किसी का भाई किसी की जान की स्टारकास्ट में किसको कितने पैसे मिले, लेकिन इस बार शहनाज ने उनके कम पैसे मिलने पर जो बात बोली है वो लोगों का दिल जीत रही है। तो आखिर क्या बात बोली है शहनाज गिल ने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। शहनाज गिल जो जनता की पसंद हैं, इस पर कोई दो राय कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यार बिग बॉस सीज़न 13, यानी कि ये अभी इस साल बिग बॉस सीज़न 16 आया, इसके 3 साल पहले उनसे जो फैंस जुड़े, जो फैंडम्स जुड़ा, वो अभी तक उनके साथ टिका है और अभी तक उनको सपोर्ट कर रहा है। आज आप सब जानते हैं कि ट्विटर पे शहनाज गिल जो है, शहनाज बॉलीवुड एंट्री, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो यार 453K के आसपास कुछ थे, लेकिन इस समय ये पूरा जो हैशटैग का टोटल हुआ है वो कुछ 620 या 600K के आसपास कुछ हुआ है, यानी कि कम भी नहीं यार, 600,000 लोग आपके हैशटैग ट्रेंड में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि शहनाज जो है अभी, मतलब पहले बहुत बोलती थी यार, मतलब किसी भी मुद्दे पर बोलती थी ज़्यादा, लेकिन अब शहनाज जो है काफ़ी ज़्यादा शांत रहना पसंद करती हैं, ज़्यादा नहीं बोलती हैं कैमरा के सामने, लेकिन इस बार उन्होंने शायद जवाब देने की ठानी है। जैसे कपिल शर्मा शो में पहुंची थी और कपिल शर्मा शो में जाने से पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बातें की थी, लेकिन कपिल शर्मा शो में जब शहनाज से पूछा गया कि शहनाज आपको पूरे फिल्म में सबसे कम पैसे मिले हैं, ऐसा क्यों, जिस पर शहनाज का जो रिप्लाई था वो तालियां बजाने वाला था भाई, क्योंकि शहनाज ने रिप्लाई क्या किया, शहनाज बोलती हैं कि हाँ ये बात सही है कि फिल्म में, यानी कि उसमें तो मुझे बहुत पेमेंट जो है बहुत ही कम मिली है, सबसे सस्ती मैं थी लेकिन अब सबसे महंगी बनकर निकली हूँ। यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस शहनाज में है ना, ये इनबिल्ट है भाई, क्योंकि शहनाज का सिंपल सी बात ये कहना था कि देखो जब मैंने किसी का भाई किसी की जान साइन किया था ना, तो मेरे को सबसे कम पेमेंट मिला, सबसे सस्ता समझा गया मुझको, लेकिन अब जब किसी का भाई किसी की जान ख़त्म हो गया है तो अब इस समय सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक हूँ मैं। यानी कि शहनाज गिल को कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो आया होगा जिसके बाद शहनाज ने शायद अपना अमाउंट रेस किया होगा और उतना अमाउंट मांगा भी होगा, तो भाई फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब शहनाज जो है उनका भी जलवा, उनका भी जादू हमको जल्द ही इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा और मिलने वाला है। तो इस पर आपकी क्या राय है और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं शहनाज को किसी का भाई किसी की जान में देखने के लिए और आगे भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।